नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। अंबाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मामला है, आखिर क्यों उन्हें इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। ऐसे में आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या पक रहा है। शैलजा को लेकर कि चुनाव है इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है, केवल चुनावी मुद्दा है, शैलजा कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेंगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है, क्यों देनी पड़ रही है, इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। हर कोई उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रैलियों का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस चाहती है कि बिना योग्यता के नौकरी दी जाए, हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देंगे। हम योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं और हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी की वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए। बरवाला में बीजेपी ने नॉन स्टॉप विकास बीजेपी पर विश्वास विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां बीजेपी सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। और हमारे जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी, संदीप वर्मा जी, अशोक मित्तल जी, वाइस चेयरमैन बरवाड़ा ताराचंद जी, राजेंद्र नायक जी, विधानसभा के संयोजक पवन शर्मा जी और हमारे BLA2 परवीन सैनी जी, राजपाल च्योराण जी, महेश शर्मा जी, रविंदर जी, नरेश जी, मनीष गोयल जी, नरेश शर्मा जी और हमारे बहवलपुर जैसे भूमि के ऊपर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच रमेश जी और बाडोपट्टी के हमारे लोकप्रिय सरपंच पवन जी, वैसे तो बैबलपुर बाडो पट्टी है, दोनों सरपंचों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व को हम शामिल होकर के नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं और मैं आप सबके चरणों में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं कमल के फूल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं स्वयं अपने लिए आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को यह बरवाड़ा की सरदारी अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने का दबा करके रणवीर गंगवा जी को सबसे ज्यादा बहुमत से यहां से जिताने का काम करें।
इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाइयों आपके बेटे भाई को, एक गरीब परिवार के बेटे को भाइयों ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। यह जिम्मेवारी भाइयों, जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आज आप सबके बीच में यह आशीर्वाद कि आपका ऐसा आशीर्वाद बरसे, 8 तारीख को जब गिनती हो, कांग्रेस पार्टी भाइयों डीपी बस के ये अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी में एडमिट हो जाए। भाइयों ये काम आपने करना भाइयों, कल मेरे को अभी यह बता रहे थे सत्तर वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बरवाला से है, जहां जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। रैली में सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। रैली में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए नायब सिंह ने कहा कि आज बरवाला की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच पहुंचा हूं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था और नौकरियों की बोली लगती थी। उन्होंने कहा कि अब फिर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि नौकरी बोली पर देंगे। मन से बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जब तक नायब सिंह है तब तक बिना खर्ची बिना पर्ची 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व।
हरियाणा में बरवाला का नाम रणवीर गंगवा जी निश्चित रूप से ऊंचा करेंगे। और 14 से पहले हरियाणा में किस प्रकार से नौकरी देते थे भाइयों, कितना भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बोली लगती थी। और अब फिर इन्होंने तय कर लिया है कि हम बोली पे नौकरी देंगे, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु हुड्डा साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नायब सिंह है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे भाइयों, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कोई चलने नहीं देंगे भाइयों। हमने यह भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर हम अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी भाइयों। ने निर्णय किया जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको तुरंत हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करेगा, उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी भाइयों। हमने एक बड़ा निर्णय यह भी किया है जो 8 तारीख के बाद ये लागू होगा। हमने ये कहा है जो भी एससी समाज के बच्चे हैं, जो भी बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो उनकी पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी, किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है भाइयों। ये भी निर्णय हमने किया है, हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई बीसी समाज का हमारा युवा साथी भाई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए लोन पर उपलब्ध कराएगी। ये भी निर्णय हमने किया है ताकि वो, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बरवाला की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आज बरवाला की सरदारी को, मातृशक्ति को मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि मैं और रणवीर गंगवा इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाई। हमारे पास विजन है, हमारे पास। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉनस्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कांग्रेस का मूल चरित्र हमेशा से रहा है कि वो दलित विरोधी हैं। उन्होंने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया है। अगर कांग्रेस में भी कोई दलित नेता अपनी मेहनत से थोड़ा भी ऊपर उठता है तो यही रहा है। कांग्रेस का चरित्र पूरे देश के सामने है कि उसने उसे कुचलने का काम किया। मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है, बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से
के बाद अब कुमारी शैलजा की को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये करैक्टर ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको। रतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जरनैल सिंह के पक्ष में प्रचार को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा को गांव भेड़ाना में एक जनसभा को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जात पात धर्म के नाम पर इस बीजेपी सरकार ने देश में सभी लोगों को आपस में बांट दिया। बीजेपी ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी ने लोगों को दबाने का काम किया। मैं सांसद था, मुझे भी बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में दबाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से दुखी प्रदेश हरियाणा की पहचान विकास की थी, खुशहाली की थी, लेकिन आज उस प्रदेश की पहचान बेरोजगारी की बना दी। उस प्रदेश की पहचान, हरियाणा प्रदेश की पहचान अपराध दर की बना दी, नशे की बना दी, विकास की पट्टी से उतर गया हरियाणा, अमन चैन शांति भाईचारे खुशहाली के रास्ते से उतर गया हरियाणा। और हर वर्ग कोई सरकार की एक कुशासन और बदहाली का सामना करना पड़ा और हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग आज हर वर्ग ने मन बना लिया है बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान से दूरी बनाने के चलते नाराजगी और पार्टी छोड़ने पर विचार करने से संबंधित तमाम अटकलों को खारिज किया है। वहीं कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि मेरी ओर से मनोहर लाल को ऑफर है, अगर वो आना भी चाहें तो कांग्रेस में कोई जगह नहीं, झूठ बोलना बीजेपी का काम है। कुमारी शैलजा कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगी। तो उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। ऐसा है, झूठ बोलना बीजेपी का धंधा है और कुमारी शैलजा कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस में ही जाएगी। 26 को आएंगी, हुड्डा साहब भी आएंगे, जब राहुल गांधी आएगा तो कौन नहीं आएगा, सब आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। प्रत्येक परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोड्यूसिंग ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहादुरगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को बीजेपी महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के बड़े नेता नीना राठी और सतपाल राठी ने बीजेपी छोड़ी थी। अब एक दिन बाद ही मंगलवार को बीजेपी के 9 ब्लॉक समिति के पार्षद और मंडल अध्यक्ष ने पार्टी को अलविदा कह दिया। ब्लॉक समिति के 9 सदस्य और बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय ने राजेंद्र जून की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। राजेंद्र जून लगातार 5वीं बार बहादुरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र जून की कार्यशैली के सब कायल भी हैं। राजेंद्र जून ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए सभी पार्षदों और पदाधिकारियों का कांग्रेस में स्वागत किया और सभी को पार्टी में पूरा सम्मान देने की बात की। राजेंद्र जून ने कहा कि बीजेपी के राज में किसी के काम नहीं हुए, इसीलिए सब लोग बीजेपी से तंग आ गए हैं। इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। जून ने कहा कि 25 सितंबर को बीजेपी के कई नगर पार्षद भी कांग्रेस में शामिल होंगे। हाँ जी, बिल्कुल कुनबा बढ़ रहा है। आज जो है ना, आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं कविता जी, अमित जी, सुमन जी, पिंकी जी, नवीन जी, साहिल जी, राकेश जी, अंजू जी,
अरुण मंडल अध्यक्ष विजयपाल जी, अनुज उपाध्यक्ष जी, सागर छिल्लर जी, कुलजीत जी, परवेश जी एंड राहुल जी, इनका मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं इनका स्वागत करता हूं और इनको अपना परिवार का कांग्रेस पार्टी के परिवार का सदस्य बनाता हूं और इनका मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस पार्टी इस परिवार में इनका पूरा मान सम्मान रखेगी। इनकी पूरी जना हम जना कोई अनदेखी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी इन कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी कर रही थी, मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो बहादुरगढ़ के अंदर रोज बीजेपी के जना पदाधिकारी हमारे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनका कोई इनकी सूझबूझ नहीं हुई, इनसे कोई जना मान सम्मान नहीं दिया गया। तो मैं इनसे वादा करता हूं कांग्रेस पार्टी के पावर आने में इनका मैं पूरा मान सम्मान रखूंगा और इनके इनके द्वारा जो भी इनके काम होंगे मैं प्रायोरिटी के पूरी काम करूंगा। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी जून जी का ना बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना मान सम्मान मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को याद किया। दूसरा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी में राजपाल जांगड़ा जी ने मेरे को मंडलाध्यक्ष की बात कर उन्होंने किया था। कई दिन पहले पूर्व विधायक जी ने उनको मंच भरे मंच से गालियां दी और रोज जांगड़ा समाज का उन्होंने इतना अपमान किया है, उसके बाद में जांगड़ा समाज भी इकट्ठा हुआ है लेकिन उन्होंने आज तक उनके प्रति कोई माफी की वो नहीं की। दोनों भाई तो इकट्ठे हो गए लेकिन जांगड़ा समाज से आज तक एक बार भी माफी नहीं मांगी। हमारे खून ने जो हमारे अधिपत दिया था उसका मान सम्मान इतना है कि जित हुए का मोड़ है पर हमारा जी भर गया था भाई साहब वहां से, इसलिए हम छोड़ के कांग्रेस वो कांग्रेस आज हमने ज्वाइन किया। बाड़ना विधानसभा क्षेत्र से इनेलो विजय पंचगावा ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव नांधा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। विजय पंचगावा का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विजय पंचगावा ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन का जनाधार लगातार बढ़ रहा है तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल को क्षेत्र की जनता अच्छी तरह देख चुकी है। बीजेपी सरकार ने काटने पीटने के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम किया तो वहीं गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड काटने का काम किया। ये मैं नहीं, आपकी एक टीवी की ओपिनियन पोल आई यार, वो भी एक बात कह रही है बालडा के बारे में। बालडा किसान बहुल्य क्षेत्र है और मौजूदा बीजेपी सरकार ने 750 किसान शहीद हुए और आज भी हजारों किसान, किसी की आंख गई, किसी का कान गया, किसी का नाक, किसी के हाथ, किसी के पैर, और इस मौजूदा सब सरकार में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो एक खिलाड़ी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सबको कहीं ना कहीं सुआ लगा रखा है। आज ओपिनियन पोल भी ये कह रही है कांग्रेस का कैंडिडेट बाहर का है, बीजेपी का कैंडिडेट जो है वहां ये बहुमूल्य किसान क्षेत्र है वो उसके खिलाफ है। केवल इनेलो बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका आज उम्मीदवार 32,000 वोट मायावती जी के हैं और हमारे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वोट बैंक 50,000 से ऊपर है, आज मिलाकर के आधे में इनेलो बसपा का कैंडिडेट है और आधे में सारे कैंडिडेट हैं। और आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी वाला तो एक बात कह रहा है, बोले मैं तो बीजेपी का ही नहीं हूं, चार कैंडिडेट पहले टिकट छोड़ चुके हैं, अब जब टिकट लेकर के गामू में आए तो बीजेपी के खिलाफ जो रोष है बाल हल्के में, पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा रोष है तो बाड़ा में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।